मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी ने वैरायटी चौक पर महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने निषेध प्रदर्शन किया। महिला अघाड़ी की संयोजिका कविता सिंघल के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन पर अत्याचार किया गया, ये केवल अपराध नहीं गंदी मानसिकता के लोगों की क्रूरता सामने आई है। फिर भी भाजपा सरकार, शासित राज्य सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करने पर जनता में भय का वातावरण है। मणिपुर की परिस्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। आज हम यहाँ पे निषेध कर रहे हैं, हमारी सारी महिला, हमारे सारे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। जो मणिपुर में घटना हुई है, 3 तारीख को मणिपुर जला है और 4 तारीख को जो बलात्कारियों ने हमारे 20 साल की लड़की पे बलात्कार किया है, उसके लिए हम निषेध करते हैं। उसको पूरे नग्न होके इन्होंने पूरे पूरे वहाँ समाज में उसको कलंकित करने की कोशिश की है, लेकिन इससे बीजेपी सरकार कलंकित होती है। और अभी बीजेपी सरकार और मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि औरत के, महिलाओं के वजह से ही आपका बीजेपी सरकार का आज पतन होने जा रहा है। और 2024 की जो गद्दी का ये जो सपना देखे है, ये उनका कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो भी बीजेपी शासित राज्य है उसमें पूरे और पूरे महिलाओं के अत्याचार का एक 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 प्रसंग उनका निकल रहा है। इनके बीजेपी जो नेता है उनको नग्न अवस्था के इनके वीडियो निकल रहे हैं और इनकी इतनी गद्दी दशा है कि ये। और आज हमने मोदी सरकार का स्टेटमेंट भी सुना, उनको बड़ी तकलीफ हुई। अरे आपको सिर्फ वीडियो में और मोबाइल में और सिर्फ अपने मीडिया में बताने के लिए तकलीफ होती, अगर आपको सच में तकलीफ होती तो आज 3-4 महीने से जो बीजेपी सरकार राज्य में मणिपुर जल रहा है और महिलाओं के साथ इतने दुर्व्यवहार हो रहे हैं, वहां आप जाते और अपना दुख व्यक्त करते। मोदी जी, आपका भी आंडंबर और ढोकलापन नहीं चलने वाला, हम सब इसका निषेध करते हैं। धन्यवाद। 3 महीने बाद भी केंद्र सरकार परिस्थिति पर नियंत्रण पाने में विफल रही है। अब तक 140 लोगों की जाने गई है। प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम रहे हैं। ये जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार है और इन्होंने कभी भी महिलाओं की कभी सुनी नहीं है, महिलाओं के बारे में कभी सोचा नहीं है। मणिपुर जहां सब लोग चीख चीख के बोल रहे थे, 3 महीने से हिंसा हो रही है, आज इन्हीं की बनाई हुई हिंसा, क्योंकि दो कम्युनिटीज़ को आपस में इन्हीं लोगों ने लड़वाया है। और आज ये देखिए नतीजा, जो 4 मई की घटना है उसका वीडियो कल 19 जुलाई को रिलीज हुआ। अब पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है कि ये तो पुरानी घटना है। व्हाट नॉनसेंस, पुरानी घटना? आप इतनी शर्मनाक घटना को पुरानी घटना बोल के, और अभी तक पुलिस बोल रही है FIR हुआ है, जो इतने सारे लोग दिख रहे हैं, 100 से ऊपर लोग दिख रहे हैं, क्या उनकी शक्ल दिख रही है बराबर? क्या उनमें से लोगों उन लोगों को पकड़ा गया है? बिल्कुल नहीं पकड़ा गया है। तो मैं बोलना चाहूँगी हमारे देश की महिलाओं को, सुनो द्रौपदी, अस्त्र उठा लो, अब बीजेपी सरकार काम ना आएगी। किन लोगों से मांग करी कर रही हो अपनी रक्षा की, जिनकी लाज तक इस देश में बची नहीं? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब ये बीजेपी सरकार काम ना आ पाएगी। लेकिन मणिपुर अब तक नहीं गए। भाजपा ने देश भर में डर का माहौल तैयार किया है। आपने तीव्र प्रदर्शन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द मणिपुर की स्थिति पर नियंत्रण पाए और जनता से मुक्ति करवाए। महिला पर अत्याचार किया, तत्काल जांच कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रकरण चलाकर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर देवेंद्र वानखड़े, अम्बरीश सावरकर, महिला अध्यक्ष सुषमा कामले, कृतल वेलेकर, मनोज डोंगरे, ध्रुव अग्रवाल आदि उपस्थित थे। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोड के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।